गुप्ते भी धीरे धीरे पकने स्टार्ट हो चुके हैं और इनमें भी सुनहरा कलर आने लगा। और गढ़वाल में यहाँ पर जो है चुगतिया त्यौहार मनाया जाता है, तो आज का ब्लॉग आप देखना ना भूलें। इस आटे की खासियत यह है, इसको जितना गूंदा जाता है अच्छी तरह से, ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बाहर से जो लोग प्लेन्स की ओर जाते हैं वो लोग ले जाते हैं पहाड़ की यादगारी के रूप में इसको। ये खजूरा है, ये बहुत टेस्टी और है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इनको ज़्यादातर दूध में गूंदा जाता है। अगर इनको हम पानी में गूंदें तो ये ठोस हो जाते हैं। पहाड़ी रेसिपी का अंदाज ही कुछ निराला है, ये देख पा रहे होंगे पर ये डमरू बना हुआ है और ये घुगती है, ये पान का पत्ता है, ये जलेबी है और ये अनार है, दाड़िम बोला जाता है, और ये मोदक, और अब ये छोटी सी पूरी देख सकते हैं आप, तवे के लिए बनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, और नई दिन की नई शुरुआत के साथ आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। करीब 3 बजने वाले हैं दोस्तों और पहाड़ का शानदार मौसम, और आज जो है पौष का जो है अंतिम दिन है और कल से यहाँ पर मकर संक्रांति और माघ का महीना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देख पा रहे होंगे आज पहाड़ में घुगती बनाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और घुगती का त्यौहार मनाया जाता है, घुगती त्यौहार ये देख सकते हैं, और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में यहाँ पर जो है चुगतिया त्यौहार मनाया जाता है। तो आज का ब्लॉग आप देखना ना भूलें, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों कल मकर संक्रांति का पर्व है और यहाँ पर में आज घुगते बनाए जाते हैं, और यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये आटा गूँध दिया गया है गुड़ के पानी में, और ये देख सकते हैं आज के दिन जो है घुगते बनाए जाते हैं, और इसमें ढाल, तलवार, डमरू, दाड़िम और विभिन्न पकवान यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और कल जो है मकर संक्रांति का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है और सुबह पूजा अर्चना की जाती है, और लोग जो है पूजा स्नान के बाद यहाँ पर घुगते जो हैं कौओं को खिलाते हैं और ये शुभ माना जाता है। और कौवे जो हैं बागनाथ सरयू से स्नान करने के बाद जो है विभिन्न पहाड़ के क्षेत्रों में जाते हैं। क्या बना रहे हैं? तलवार। ये देख सकते हैं दोस्तों तलवार बन रही है, और यहाँ पर घुगते जो हैं बनाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक नया पकवान आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये आपको जो आटा दिखाई दे रहा है ये खजूर के लिए तैयार किया गया है, और इसमें गुड़ का पानी नहीं पड़ता है, और इसमें दूध और चीनी का मिश्रण डाल के इसको गूंदा गया है। इसके शानदार और सॉफ्ट जो है खजूर आज मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है आज खजूर बनाए जाते हैं पहाड़ों में। दोस्तों इस तरह इसको काटा जाता है, ये देख पा रहे होंगे। ये देख पा रहे होंगे आप, और उसके बाद ये इस तरह निकल आते हैं, ये देख सकते हैं। इस आटे की खासियत यह है, इसको जितना गूंदा जाता है अच्छी तरह से, ये उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लजीज होते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं ये खाने में, और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि इसमें सौंफ डाला जाता है, ये देख सकते हैं। इसकी पूरी रेसिपी मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसको हम आज आग में मनाने जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों इसको इस तरह काटा जाता है, और महिलाएं काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं। और ये देख पा रहे होंगे आपने मिठाई की दुकान में बर्फ़ी देखी होगी, ये बर्फ़ी के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों गाँव से धूप निकल चुकी है और करीब 4 बजने वाले हैं, और यहाँ पर जो है तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अगेठी जल चुकी है और तेल को गर्म करने के लिए कढ़ाई पे डाल दिया गया है, और ये देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं दोस्तों फाइनली ये कच्चा आइटम जो है तैयार हो चुका है, और अब इसको तेल में पकाने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। खौलते तेल में इसको पकाया जाता है, और फिर इसकी माला वगैरह बनाई जाती है, और सुबह बच्चे जो हैं काले 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 कौवा पुकारते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ट्रायल के लिए एक खजूर को डाल दिया गया है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर खजूरें तैयार किए जा रहे हैं और इनको पकाने के लिए डाल दिया गया है तेल में, और एक बार में काफ़ी खजूरें डाल दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें हल्का हल्का सुनहरा कलर आने लग चुका है, और काफ़ी स्वादिष्ट और लजीज ये खजूर जो हैं पहाड़ों में बनाए जाते हैं, या और पहाड़ से जो लोग प्लेन्स की ओर जाते हैं वो लोग ले जाते हैं पहाड़ की यादगारी के रूप में इसको। ये देख सकते हैं दोस्तों खजूरे की पहली खेप निकल चुकी है, और ये देख पा रहे होंगे शानदार ये पक चुके हैं। अभी दिया भी तो डालेंगे, मेरा बनाया हुआ है। हाँ, दिया बनाया भी था ना, वो वहाँ पर रखा है उसमें। ये खजूरा है, ये बहुत टेस्टी और है। अभी अभी बने हैं, बोलो अभी अभी बने हैं ये गाइस।
ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, पार साइड धूप है और गांव से धूप निकल चुकी है। करीब 5 बजने वाले हैं और यहां पर जो है हर घर में आज घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है और घुघुरे और खजूर और अन्य पकवान बनाए जाते हैं। पूरी पकवान और मांस की रोटी भी बनाई जाती है। तो कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत स्वादिष्ट है खाने में। इसका आटा दूध में सॉफ्ट डाल करके इसको गूंदा गया है, जिसकी वजह से ये काफी मुलायम है और इसको ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और इनको ज्यादातर दूध में गूंदा जाता है। अगर इनको हम पानी में गूंदे तो ये ठोस हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, जो ये खा नहीं पाते हैं जिन्हें हम। इसको हम नाश्ते में भी ले सकते हैं, जैसे चाय के साथ हम इसे खा रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इनको हम बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। और ये मकर संक्रांति के दिन काफी बनाए जाते हैं। इस पहाड़ी रेसिपी का अंदाज ही कुछ निराला है, ये देख पा रहे होंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली खजूर जो है पूरे बन चुके हैं और अब जो है घुघुते बनाए जा रहे हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए घुघुते भी धीरे धीरे पकने स्टार्ट हो चुके हैं और इनमें भी सुनहरा कलर आने लग चुका है। तो इस तरह दोस्तों पहाड़ों में घुघुती त्यौहार मनाया जाता है और पकवान बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये डमरू बना हुआ है और ये घुघुती है, ये पान का पत्ता है, ये जलेबी है और ये अनार है, दाड़िम बोला जाता है, और ये मोदक और अभी तलवार वगैरह बन रही है इसमें, ये देख सकते हैं। आम की शिफ्ट में यहाँ पर बड़े भी बनाए जाते हैं और मांस की रोटियाँ भी बनाई जाती हैं और इसकी माला बनाई जाती है और माला के बीच में एक फल का दाना टांगा जाता है और बच्चों को सुबह माला पहनाई जाती है स्नान के बाद, और उसके बाद वे कौवे को बुलाते हैं। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको एक छोटी बूढ़ी दिखाई दे रही होगी, ये कौवे को भोग लगाया जाता है और कौवे को भी ये पूरा आइटम जो बना हुआ है, ये पूरा आइटम कौवे को दिया जाता है। और स्पेशली ये छोटी सी पूरी देख सकते हैं आप, कौवे के लिए बनी है, देख सकते हैं दोस्तों। अब मांस की रोटियां बनाई जाती हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फाइनली तैयार हो चुकी है और काफ़ी देर तक इसको हल्की आँख में पकाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कुमाऊँ कल्चर का यह घुघुतिया त्यौहार का ये ब्लॉग जरूर आपको पसंद आएगा और कुमाऊँ गढ़वाल में अपने अपने तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आज यहाँ पर जो पकवान बनाए गए हैं उनको कल कौवे को सुबह बच्चों के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा और काले कौवा करके उन्हें पुकारा जाता है। और कल से माँ का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और मकर संक्रांति कल से मनाई जाएगी। और दोस्तों कल से शाही स्नान भी लोग करते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगे तो MK पहाड़ी चैनल को आप फॉलो करें।